हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबीज डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ऐसा हम बहुत बार टाइम आता है हम जब डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चों को फॉर्मूला मिल्क ही देंगे या हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ फॉर्मूला फीड भी देंगे। और एक और टाइम होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने इतना ड्यूरेशन बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे दिया, ब्रेस्ट फीड करा दिया है, अब हम आगे का जो ड्यूरेशन है उसमें हम बच्चे को फॉर्मूला फीड कराएंगे। तो ये तीनों फेज जो होते हैं उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो हर पेरेंट्स के मन में आते हैं। तो आज हम आपके साथ उन कॉमन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहला चीज़, जब क्योंकि बच्चा न्यू बॉर्न है तो हम हर चीज़ न्यू न्यू लेते हैं बच्चों के लिए, उसमें एक बॉटल, जब हम बच्चों को फॉर्मूला फीड दे रहे हैं तो हम बॉटल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली क्वेश्चन होता है कि हमें उस बॉटल को हमें स्टरलाइज करने की ज़रूरत है, हम जब भी फीड दे रहे हैं हमें क्या बार बार उसे स्टरलाइज करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, जब आप न्यू बॉटल ले रहे हो तब आप उस बॉटल के सारे पार्ट्स, उसके निप्पल कैप सब कुछ पहली बार सिर्फ स्टरलाइज कर लीजिए। बार बार जब आप उसको फीड दे रहे हो हर बार आपको स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक हॉट सोपी वाटर से उसको क्लीन करके रख सकते हो। बट हाँ, फीड देने के बाद, फॉर्मूला फीड देने के बाद आपने उस बॉटल को हाथों हाथ तुरंत उसी टाइम आपको क्लीन कर देना है, क्योंकि रखने से उसमें बैक्टीरिया भी क्रिएट हो सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर्मूला मिल्क फॉर माई बेबी, हम अपने बच्चों के लिए कैसे प्रिपेयर करें उस फॉर्मूला मिल्क को। फ्रेंड्स, बेबी फॉर्मूला फीड को प्रिपेयर करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, पहले आप एक वाटर, जो वाटर भी आपने नॉर्मल वाटर नहीं लेना है, आपके को नॉर्मल जो पानी होता है उसको बॉयल करके रख लेना है। उस बॉयल्ड पानी से ही आपको फॉर्मूला मिल्क क्रिएट करना चाहिए, इससे बैक्टीरिया के भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने वाटर लेना है और आप जो भी फॉर्मूला फीड दे रहे हो उस पे लिखा होता है माउंट के बच्चे को, इन्फेंट को कितना देना है, उतना क्वांटिटी आप उसमें वाटर में, वो वाटर क्रिएट करने के लिए जो वाटर आप दे रहे हो बच्चे के लिए उसमें आपने पानी लेना है, उसको बॉईल करना है अच्छे से, 2-3 मिनट 4 मिनट आराम से उसको बॉईल करिए, फिर ऑफ करके उसे कूल डाउन होने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद आप उसका फॉर्मूला मिल्क यूज़ करिए। और देने से पहले हमेशा चेक कर लीजिए एकदम हॉट या एकदम कोल्ड बच्चा नहीं पीता, रूम टेम्परेचर वाला ही फीड उसको मिक्स करके दीजिए। थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हेन टू प्रिपेयर द बॉटल, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो पेरेंट्स, जो मॉम या डैड जो भी जॉब पे जाते हैं या जो घर पे भी है या जो किसी को रखते हैं साथ में बच्चे को देखभाल के लिए, तो उन सब के लिए ये क्वेश्चन होता है कि हम कब प्रिपेयर करके रख सकते हैं फॉर्मूला मिल्क को। फ्रेंड्स, अगर आप कभी बाहर जा रहे हो और आपको प्रिपेयर करके रखना है बच्चों के लिए फॉर्मूला फीड, वैसे तो आप अगर हो उस बच्चे के साथ तो आप तुरंत बनाओ और इमीडिएटली बच्चे को वो दे दो, मैक्स टू मैक्स 1 आवर। इसके ऊपर बनाया हुआ फॉर्मूला मिल्क आपको 1 घंटे के बाद रूम टेम्परेचर पर बच्चों को नहीं देना है। इफ़ इन केस आप बाहर जा रहे हो, आपको लेके जाना है, कैरी करना है, या किसी के साथ बच्चों को घर पर छोड़ के जा रहे हो, जो भी उसके केयर टेकर है उसको देना है, तो आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो बना करके बॉटल में आराम से रेफ्रिजरेट किया हुआ। एंड फ्रेंड्स, अगर आप रेफ्रिजरेट किया हुआ भी बच्चे को दे रहे हो तो भी आप उसको पहले रूम टेम्परेचर पे लाओ, उसके बाद, क्योंकि बच्चों को एकदम गर्म एकदम ठंडा नहीं पसंद है, उन्हें रूम टेम्परेचर पे चेक करके ही फॉर्मूला मिल्क को दीजिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत बेसिक है, बहुत पेरेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहती है। फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपने फॉर्मूला मिल्क बनाया है और बच्चे ने थोड़ा सा ही पिया, वो बच गया, तो क्या हम उसे दोबारा वो ऑफ़र कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, नहीं, नॉट इवन। अगर आप उसको रेफ्रिजरेट भी कर रहे हो उसके बाद भी आपने वो बना हुआ फॉर्मूला मिल्क बच्चे को दोबारा नहीं देना है। आपको कोई बात नहीं, जो अगर बच्चे ने जितना पिया ओके, नहीं पिया आपने उसे थ्रो कर देना है, उसे दोबारा नहीं देना है, क्योंकि अगर आप उसको दोबारा दोगे तो 1 घंटे के बाद ही उसमें बैक्टीरिया क्रिएट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा आपका बीमार भी पड़ सकता है, वॉमिट कर सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो रखा हुआ फॉर्मूला में 1 घंटे से ज़्यादा रूम टेम्परेचर पर नहीं देना है। अगर आपने उसे थोड़ी देर बाद देना है तो आपने उसे रेफ्रिजरेट करना है, उसके बाद ही रूम टेम्परेचर पर आके देना। ये भी नहीं करना है कि उसने थोड़ा पिया बच्चा फिर रेफ्रिजरेट किया फिर दिया, ये भी नहीं करना। आपने अपने बनाया है, फ्रेश है, तो आप उसको रेफ्रिजरेट कर दो 3-4 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए, लेकिन नहीं, उसके ऊपर आपने रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आपने दोबारा नहीं देना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ कॉमन कुछ दिमाग में रहता है बच्चों पेरेंट्स के कि हम कौन सा ब्रांड दे बच्चों को फॉर्मूला मिल्क के लिए। तो फ्रेंड्स, आप जब बच्चों जो तो फ्रेंड्स जनरली हॉस्पिटल से ही बच्चों को एक सैंपल मिलता है जो आपके बच्चे के लिए सुटेबल है, पहले आप उसको ट्राई करो, अगर वो सुटेबल नहीं होता है तो हम आपके साथ कोई और ब्रांड्स के नेम शेयर करेंगे जो आप ट्राई कर सकते हो।
और अगर आपको ब्रांड्स के नेम चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम इस पर एक वीडियो कर दें, नहीं तो मैं आपको इसका कमेंट सेक्शन में ही कुछ ब्रांड्स नेम्स आपको सजेस्ट कर दूंगी जो आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।